स्वास्थ्य मुसीबत एक बार फिर से डराने लगी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद अब कई राज्य पूर्णबंदी की योजना बनाने में लगे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि इस बार पूरे देश में पूर्णबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन यदि यह आंशिक भी हुई तो ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद मुश्किल भरी हो सकती है। इसे लेकर देश में चिंता की स्थिति है, तो क्यों आंशिक बंदी की संभावनाओं ने बढ़ाई है चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 24 घंटे में देश में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के सीएम साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि राज्य में अब पूर्णबंदी ही एकमात्र विकल्प बचा है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने भी कहा कि जरूरत पड़ती है तो पूर्णबंदी पर विचार किया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी सहित देश के तमाम राज्यों में रात के समय आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र इस बार पूरे देश में पूर्णबंदी नहीं लगाएगा। पूर्णबंदी का डर अब उद्योग संगठनों को भी सताने लगा है। उद्योग जगत का मानना है कि यदि आंशिक बंदी भी लागू की गई तो श्रमिकों और माल की आवाजाही प्रभावित होगी तथा इसका औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा। उद्योग मंडल CII की ओर से कंपनियों के CEO के बीच कराए गए सर्वे के आधार पर सुझाव दिया गया है कि जहां संक्रमण का असर ज्यादा है वहां पर पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन पूर्णबंदी या आंशिक बंदी से बचा जाए क्योंकि इससे औद्योगिक उत्पादन पर जबरदस्त असर पड़ेगा। अधिकांश CEO ने कहा कि यदि आंशिक बंदी हुई तो श्रमिकों के आने जाने में मुश्किल होगी। 56% CEO ने कहा कि वस्तुओं की आवाजाही अगर प्रभावित होती है तो उन्हें 50% तक का उत्पादन का नुकसान हो सकता है। यानी साफ है कि सरकार के लिए अब दो तरफा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यदि सरकार सख्त फैसले नहीं लेती है तो संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा और यदि पाबंदियां लगाती हैं तो आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। DB Live की रिपोर्ट।